बना के रखेगा, बिकॉज फाइबर क्या है, अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट मूव कर रहा है वो हार्ड बोल की जगह पे एक सॉफ्ट बोल की फॉर्म में रहेगा, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन होने का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कम रहेगा. सो कॉन्स्टिपेशन जो है अगर है तो उसके लिए फाइबर डाइट में इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन इसके अलावा हाई फाइबर डाइट जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करती है, देन ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करती है, इवन शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में अगर हाई फाइबर डाइट है तो वो हेल्प करता है. देन वेट रिडक्शन में, स्पोर्ट्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेट रिडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर फाइबर की मात्रा खाने में ज़्यादा ले रहे हैं, बिकॉज फाइबर क्या है, आपके पेट को भरा होने जैसी फीलिंग देगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो नहीं मिल रही है, इसलिए जो है आप कम खाएंगे और जो है फाइबर आपका वेट रिडक्शन करने में हेल्प करेगा. सो फाइबर जो है, टू टाइप्स ऑफ फाइबर आर देयर, सोल्यूबल फाइबर एंड इनसोल्यूबल फाइबर. सोल्यूबल फाइबर बेसिकली आपके जैसे फ्रूट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ओट्स के अंदर, बार्ले के अंदर, लेग्यूम्स जो हमारे चना, राजमा, सोयाबीन, इनके अंदर जो फाइबर प्रेजेंट होता है वो बेसिकली सोल्यूबल फाइबर होता है, जो पानी के अंदर जो है पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, बेसिकली घुलनशील होता है पानी के अंदर. एंड सेकेंड वन इज इनसोल्यूबल फाइबर. इनसोल्यूबल फाइबर जो है इंक्लूड्स सेलुलोस, सेमी सेलुलोस, बेसिकली जो आपके अनाज में जो फाइबर रहता है, वीट है, वीट ब्रैन बेसिकली, कॉर्न का जो बाहर का फाइबर है, होल सीरियल्स हैं जितने भी आपके, उनके अंदर इनसोल्यूबल फाइबर ज़्यादा रहता है, और जो आपकी सलाद हैं उनके अंदर भी इनसोल्यूबल फाइबर जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है. सो दिस वॉज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं और उनके क्या क्या सोर्सेस हैं, किसके सोर्सेस से हमें मिल सकता है. एक इम्पॉर्टेंट चीज फाइबर्स में, बेसिकली अगर हम बात करें डाइट में फाइबर बढ़ाने का, तो आप लोग क्या क्या खा सकते हैं, जैसे जितना होल फ्रूट्स, होल सैलेड खाएंगे तो फाइबर की मात्रा आपको बॉडी को ज़्यादा मिलेगी. इसके अलावा जितना अनप्रोसेस्ड सीरियल्स या अनाज जो है खाएंगे तो उसमें फाइबर की मात्रा जो है वो ज़्यादा रहती है. अनप्रोसेस्ड का मतलब है अगर हम गेहूं की बात करें, वीट जो है उसको जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, वीट हम लोग होल, बिल्कुल होल वीट जो है नहीं खा सकते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है. बट अगर हम होल वीट को हम थोड़ा सा प्रोसेसिंग करते हैं, उसको प्रोसेसिंग का मतलब है मैकेनिकल प्रोसेसिंग, छोटा छोटा भागों में तोड़ना या फिर और कोई केमिकल डाल के किसी भी फूड का प्रोसेस करना. सो गेहूं को हम दलिया में तोड़ते हैं तो उसके अंदर फाइबर की मात्रा गेहूं से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर हम उसी को आटे से कंपेयर करें तो उसके अंदर आटे के कंपैरिजन में फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहेगी, बिकॉज आटे जब आटा बना रहे हैं तब आटे को और बारीक जो है पार्टिकल्स में हमने तोड़ दिया है, तो जो फाइबर है बाहर की लेयर है वो धीरे धीरे रिमूव होती जाती है. इसी तरीके से जब हम बोलते हैं कि आटा हम लोग चोकर के साथ खा रहे हैं, तो चोकर जो है बेसिकली दैट इज फाइबर. सो चोकर वाले आटे में फाइबर ज़्यादा है बजाय के बिना चोकर वाले आटे में. देन फिर उस आटे को और बारीक पीस दिया तो दैट बिकम्स मैदा. सो मैदे में फाइबर और कम होगा. सो अगर हम 1 ग्राम मैदे को और 1 ग्राम जो है हमारे दलिये को कंपेयर करेंगे
तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, बिकॉज दलिये में फाइबर ज्यादा है, फाइबर वेट तो दे रहा है आपके खाने को, लेकिन उसके अंदर एनर्जी की मात्रा जो है वो कम रहेगी. सो जितना फाइबर आपकी डाइट के अंदर ज्यादा होगा तो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, बट आपके खाने में बल्क वेट जो है वो उससे बढ़ेगा. साथ ही साथ में जितना अनप्रोसेस्ड सीरियल्स होगा उतना ज्यादा मात्रा में उसमें अलग अलग विटामिन, स्पेशली विटामिन बी जो है, बी कॉम्प्लेक्स, वो जितने भी होल सीरियल्स हैं, अनाज हैं, उनके अंदर जो है फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती है. सो कमिंग टू द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कंपैरेटिवली प्रोटीन्स और फैट्स के कंपैरिजन में काफी सिंपल रहता है. जैसे हमने कल भी बात की थी, जो आपकी ओरल कैविटी है यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं, सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को तोड़ के माल्टोस में बदल देता है, छोटे छोटे डाइसेकेराइड में. स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड को वो डाइसेकेराइड में या कुछ ओलिगोसेकेराइड में तोड़ता है. सो यहाँ पे माउथ के अंदर जब आप खाना खा रहे हैं उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो रहा है. देन स्टमक में जब जाता है फूड आपका, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है. अगर कुछ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम अभी भी एक्टिव है थोड़ा स्टमक के अंदर, वो थोड़ा बहुत डाइजेशन कर सकता है कार्बोहाइड्रेट्स का, बट बिकॉज स्टमक का पीएच जो है बहुत कम होता है, एसिड ज्यादा रहता है स्टमक में, तो एसिडिक एनवायरमेंट में जितने भी अमाइलेज एंजाइम हैं वो जनरली वर्क नहीं करते हैं. सो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है जनरली स्टमक में नहीं के बराबर होता है. मेनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के कुछ एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं, पैनक्रियास से, और कुछ एंजाइम्स जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं वो खुद से कुछ एंजाइम्स जनरेट करती हैं. सो मेनली जो है चार एंजाइम्स हैं, पी अमाइलेज मतलब पैनक्रियाटिक अमाइलेज. सो पैनक्रियास से जो अमाइलेज सिक्रीट हो रहा है वो बेसिकली स्टार्च पे वर्क कर रहा है और उसको माल्टोस में कन्वर्ट कर रहा है. और ये तीनों जो एंजाइम्स हैं, माल्टेस, लैक्टेस एंड सुक्रेस, ये तीन एंजाइम जो हैं बेसिकली इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर से रिलीज होते हैं, इसी की सेल्स से रिलीज होते हैं. सो ये बेसिकली माल्टोस जो हमारा डाइसेकेराइड है उसको दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ रहा है, लैक्टोस जो है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोस में कन्वर्ट कर रहा है, और सुक्रोज को ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में रहता है. देन एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बेसिकली, जैसे मैंने बताया था, तीन फॉर्म्स हैं मोनोसैकेराइड की, जो बेसिकली आपके जो इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, उससे ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो सकती हैं. सो दैट इज ग्लूकोज, गैलेक्टोस एंड फ्रक्टोस. फ्रक्टोस जो है बेसिकली इट इज ट्रांसफर्ड, एब्जॉर्प्शन जो है इसका सेल्स के थ्रू जो होता है उसे हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं. इट मींस एक कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहता है जो फ्रक्टोस को हेल्प करेगा जो है इंटेस्टाइन सेल्स से जो है आपके ब्लड के अंदर मूव करने में. इसी तरीके से ग्लूकोज और गैलेक्टोस जो है उनका जो एब्जॉर्प्शन है, उनका जो ट्रांसफर है बेसिकली, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, जिसमें
कैरियर प्रोटीन की जरूरत तो होती ही है और साथ में कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है जो अल्टीमेटली ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ब्लड में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. सो दो तरीके के मैकेनिज्म हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत रहती है जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज ये देखने वाली है कि फ्रक्टोस और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स जो हैं हमारी इंटेस्टाइन की सेल में अलग अलग रहते हैं. सो ये अभी हम आगे जब हम कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे उसमें जो है डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स के अंदर बेसिकली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ वी विल कम टू रिकमेंडेशन कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से किस टाइम पे क्या कंज्यूम कर सकते हैं. सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की जो भी लेटेस्ट रिकमेंडेशंस हैं IOC के थ्रू उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट जो है उसे ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है रिकमेंडेशंस को दिया गया है. सो अगर कोई पर्सन जो है बेसिकली लो इंटेंसिटी और स्किल बेस्ड एक्टिविटी कर रहा है या फिर बॉडी वेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वेट कम करना है या फिर किसी और रीजन की वजह से एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले रहा है कोई भी एथलीट, तो मिनिमम कार्बोहाइड्रेट की रिकमेंडेशन इज अराउंड 3 to 5 grams पर केजी बॉडी मास पर डे. सो अगर कोई पर्सन 70 केजी का है तो 70 into 3 तो मिनिमम जो है उसे, इवन अगर वो वेट लॉस कर रहा है तो उस टाइम पे अराउंड 200-210 grams कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने की रिक्वायरमेंट जो है उस पर्सन की रहेगी बिकॉज दैट पर्सन इज डूइंग ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली. मॉडरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है और साथ में वेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो एटलीस्ट अराउंड 200-210 grams कार्बोहाइड्रेट लेने की जरूरत है. देन अगर विदाउट एनी एनर्जी रिस्ट्रिक्शन अगर मॉडरेट एक्सरसाइज प्रोग्राम है 1 hour पर डे का तो इट कैन द रिक्वायरमेंट कैन गो अप टू 5 to 7 grams पर केजी पर डे. जैसे जैसे ड्यूरेशन इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम की वैसे वैसे कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट भी जो है वो बढ़ती जाएगी. सो विल डिपेंड अपॉन और काफ़ी रेंज है बिकॉज वी हैव रेंज. सो हम लोग के पास जो है ऑप्शन रहता है कि हम लोग क्योंकि इंडिविजुअल वेरिएशंस जो हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं पर्सन की पर्सन टू पर्सन. एक पर्सन अगर 7 grams पर केजी बॉडी वेट भी कार्बोहाइड्रेट खाएगा तो ही कैन ईजिली यूटिलाइज दैट, उसका मेटाबॉलिक रेट हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो. सो जो रेंज है इन दैट वी कैन एडजस्ट वो कितना टॉलरेट कर पा रहा है पर्सन कार्बोहाइड्रेट्स और जो है साथ में उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आप इस रेंज में लोअर रेंज पे जाते हैं कार्बोहाइड्रेट रिकमेंडेशन के लिए या फिर हाई रेंज में. अब एज ए कोच इट्स वेरी डिफिकल्ट आप लोग के लिए जो है कैलकुलेट करना कि पूरी डाइट में कितना कार्बोहाइड्रेट डेली एक पर्सन खा रहा है. दो हम लोग आई थिंक प्रैक्टिकल्स में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, एक दो लेक्चर्स में भी आई विल टेल यू कि जनरली कितना कार्बोहाइड्रेट रहता है अनाज में पल्सेस में. फिर भी एज ए कोच वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कैलकुलेट करना सारी चीज़ें. सो उसके लिए बहुत ईजी जो है कुछ कुछ फूड प्लेट की फॉर्म में जो है डाइट दिखाई गई है कि आपको किस तरीके का डाइट लेना चाहिए. तो इसमें अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स देखें जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, अगर कोई पर्सन इजी ट्रेनिंग कर रहा है या फिर वेट मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है तो उसका प्लेट जो है वो कैसा होना चाहिए. तो उस टाइम पे
अगर हम ग्रेन्स देखें, सिर्फ अगर इजी ट्रेनिंग कर रहा है पर्सन, तो प्लेट का सिर्फ एक चौथाई पार्ट जो है वो आपका अनाज का, जो बेसिकली आपको कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, वो होना चाहिए। प्लस ये अनाज भी कैसा होगा आपका, जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। देन आप देखेंगे यहाँ पे आधा पार्ट जो है दैट शुड बी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल में लोग को मालूम है कि विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हम और भी डिटेल में आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में। बट अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आपको मॉडरेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, प्लस ज्यादा अमाउंट में आपको फाइबर जो है वो मिलेगा। सो अगर कोई पर्सन ट्रेनिंग इजी ट्रेनिंग कर रहा है तो मेनली अगर वो एक मील खा रहा है तो उसमें प्लेट का आधा पार्ट जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होना चाहिए। सो ये पार्ट जो है जनरली हम लोग नहीं स्किप करते हैं। इवन हम लोग कम खाएंगे, मान लीजिए रोटी कम खाई, फूड कम कर दिया खाना, लेकिन जो ये पार्ट इंक्रीज करने का है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो जनरली हम लोग अपनी मील में नहीं करते हैं। देन अगर वेट मैनेजमेंट की बात अगर हम देखें तो थोड़ा सा और कट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और प्रोटीन का इंटेक जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ये टेबल्स, ये जो है प्लेट के एग्जांपल्स हम लोग आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों से यहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के रिलेशन में इनको डिस्कस कर रही हूँ। देन अगर मॉडरेट ट्रेनिंग है तो ग्रेन्स का पार्ट, जो अनाज का पार्ट है, वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, और जो भी हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का पार्ट है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और उसके साथ में मॉडरेट ट्रेनिंग में जैसे प्री ट्रेनिंग स्नैक, ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्नैक या पोस्ट ट्रेनिंग स्नैक, वो सब जो है वो ऐड किए जा सकते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी कि किस तरीके के स्नैक्स जो है वो किस टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। देन लास्ट जो ये एग्जाम्पल है प्लेट का, अगर हार्ड ट्रेनिंग डे है, जिस दिन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है, बेसिकली ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है आपका ट्रेनिंग का, सो उस टाइम पे प्लेट का हाफ पार्ट जो है दैट कैन बी फुल ऑफ बेसिकली आपका अनाज, ग्रेन्स जो है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम था, फाइबर्स थोड़ा सा ज़्यादा था, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सो ये जो हमने यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दी है, अगर सिंपली हम लोग एथलीट्स को इतना भी गाइड कर देते हैं इस तरीके की प्लेट की फॉर्म में आपको जो है सीरियल्स जो है, राइस है, चपाती है, ब्रेड है, वो सब लेना है, सो एटलीस्ट दे विल गेट एन आइडिया कि हमें किस तरीके का खाना खाना है जब हम लाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं या मॉडरेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो ये जो अभी मैंने रिकमेंडेशन बताई, ये बेसिकली पूरे दिन की रिकमेंडेशन है। आपको पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितनी मात्रा में खाना है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जब हम ट्रेनिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, बिकॉज एज आई मेंशन कि बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के स्टोर्स जो हैं वो लिमिटेड रहते हैं। सो जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है ट्रेनिंग का, तो धीरे धीरे आपके बॉडी के कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स जो हैं वो डिप्लीट होने लगेंगे। सो उस टाइम पे हो सकता है आपको बाहर से कार्बोहाइड्रेट लेने की जरूरत पड़े। सो अगर हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग की बात करें तो अगर अभी हम लोग रिकमेंडेशन डिस्कस करेंगे कितना अमाउंट कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। सो बट उससे फायदा क्या क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में हेल्प करेगा अगर आप ट्रेनिंग के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं। देन कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन, कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन जो है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएगा, आपका लिवर ग्लाइकोजन स्टोर्स जो हैं
उनका ब्रेकडाउन कम होगा. सो यहाँ पे लीवर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जैसे जैसे होगा, आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, जैसे ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ेगा टू दिस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए. सो जो है, अगर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो लीवर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कम हो सकता है. देन फैटीग जो है वो देर से स्टार्ट होगी बॉडी के अंदर, और इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव एंड्यूरेंस कैपेसिटी जो है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है. सो दीज आर द रिकमेंडेशन. कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, बेसिकली ये ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग है. जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, कार्बोहाइड्रेट की रिकमेंडेशंस जो है, उनकी रिक्वायरमेंट जो है पर आर कितनी लेनी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है. अगर हम जस्ट 30 मिनट की एक्टिविटी की बात करें तो कोई कार्बोहाइड्रेट लेने की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ और सिर्फ अगर प्लेन वाटर पी रहा है पर्सन, तो दैट इज सफिशिएंट, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन अगर 60 मिनट्स तक की एक्टिविटी है, या फिर वी कैन मूव इट टू अप टू 75 मिनट्स तक की एक्टिविटी है, तो सिंपल अगर कार्बोहाइड्रेट आपके पास बॉटल में कार्बोहाइड्रेट वाला ड्रिंक है, स्पोर्ट्स ड्रिंक है, तो उसको आप जस्ट माउथ रिंस भी करेंगे तो उससे भी क्या है, आपके माउथ में जो टेस्ट बड्स हैं वो आपके ब्रेन तक सिग्नल भेजेंगे कि हाँ, बॉडी इज गेटिंग कार्बोहाइड्रेट. सो दैट ऑल्सो इज सफिशियंट फॉर 60 मिनट्स, 75 मिनट्स एक्टिविटी, अगर सिर्फ माउथ रिंस भी कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से. देन अगर अप टू 2 आवर्स ऑफ एक्टिविटी है, तो जनरली कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट इज अराउंड 30 ग्राम पर आवर. इट कैन बी मैक्सिमम लिमिट हम 60 ग्राम पर आवर तक भी जा सकते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 30 ग्राम्स पर आवर. मतलब कि अगर कोई पर्सन 2 घंटे की एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे 2 घंटे में अराउंड 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने की जरूरत रहेगी. जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज हो रही है, सो अगर अराउंड 3 आवर तक का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो सकती है, कैन बी अप टू 60 ग्राम पर आवर. और जो बहुत अल्ट्रा एंड्यूरेंस इवेंट्स हैं, मोर देन 3 आवर्स, उसमें रिक्वायरमेंट बहुत हाई जा सकती हैं. और इस टाइम पे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ट्रांसपोर्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका इंटेक करना चाहिए. 2-3 घंटे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके का भी आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर आप 90 ग्राम पर आर के करीब कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं फॉर अल्ट्रा एंड्यूरेंस इवेंट, सो उस टाइम पे जनरली इट इज कॉल्ड मल्टीपल ट्रांसपोर्टेबल कार्बोहाइड्रेट शुड बी गिवन. इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ये ट्रांसपोर्टेशन है इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स का. सो जब हम बात कर रहे हैं कि 90 ग्राम पर आर तक कार्बोहाइड्रेट्स दिया जा सकता है अल्ट्रा एंड्यूरेंस इवेंट्स के लिए, सो उस टाइम पे बेसिकली इट शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो अलग अलग ट्रांसपोर्टर के थ्रू ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. क्योंकि अगर जनरली हम लोग क्या है, ग्लूकोज यूज कर रहे हैं अगर, सो एक लेवल पे आके आपकी बॉडी में ये जो ट्रांसपोर्टर हैं ग्लूकोज के, ये सैचुरेट हो जाएंगे. मतलब कि ग्लूकोज आपकी इंटेस्टाइन में ज्यादा मात्रा में होगा, बट उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर जो है वो नहीं बचेंगे. सो इवन आपने ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर लिया है, बट उसको यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले ब्लड में जाना है, और ब्लड से आपके मसल्स तक जाना है, तभी वो मसल्स में जाके एनर्जी देने का फंक्शन कर पाएगा. बट अगर यहाँ से ट्रांसफर ही नहीं होगा वो ग्लूकोज, तो वो उसका फंक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा. सो इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जनरली इज रिकमेंडेड अल्ट्रा एंड्यूरेंस इवेंट्स के लिए.
अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारी टेबल शुगर है. सो सिंपल है, अगर 3 घंटे तक एक्टिविटी हो रही है तो इवन आप चाहे ग्लूकोज यूज कर रहे हैं पर्सन के एथलीट के लिए, चाहे आप चीनी यूज कर रहे हैं, चाहे आप और कोई कार्बोहाइड्रेट फूड की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है. बट अगर अल्ट्रा एंड्यूरेंस की तरफ हम जा रहे हैं तो ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज यूज करना यहाँ पे यूजफुल नहीं है. अगर हम चीनी जो है यूज करेंगे या फिर माल्टोडेक्सट्रिन जैसे है कुछ कुछ स्पोर्ट्स स्पेशलाइज स्पोर्ट्स ड्रिंक हम यूज करेंगे तभी जो है वो बॉडी में बेनिफिट कर पाएंगी. कार्बोहाइड्रेट जो है प्रॉपर आपकी मसल्स तक जाके एनर्जी दे पाएगा. सो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड फ्लूइड, हम लोग 60 से 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर 2 घंटे की ट्रेनिंग में देना चाहते हैं, सो अगर एक पर्सन 2 बनाना खा रहा है और 500 ml के करीब नींबू पानी जैसे हम बोलते हैं शिकंजी जिसको बोलते हैं वो ले रहा है, जिसके अंदर 20 से 30 ग्राम आप ग्लूकोज या चीनी डाल सकते हैं. 20 से 30 ग्राम मतलब 1 चम्मच चीनी जो होती है उसमें अराउंड 5 ग्राम के करीब चीनी होती है 1 चम्मच में. सो अगर 4 चम्मच से 6 चम्मच चीनी डाल रहे हैं 500 ml कार्बोहाइड्रेट्स में, सॉरी 500 ml वाटर में, सो वो उतना 500 ml लिक्विड प्लस 2 बनाना जो है दैट विल गिव यू अराउंड 60 to 75 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो आपका 2 आवर्स की ट्रेनिंग के लिए सफिशियंट है. सो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब कि कोई भी फूड जो है या फिर लिक्विड का कॉम्बिनेशन जो है हम लोग इस केस में कर सकते हैं. बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करना काफी ईजी है इन कंपैरिजन टू अगर आप पूरे दिन का कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज मोस्टली इस टाइम पे हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं. सो उसको हम चम्मच में और अगर मेजर करना उसको जो है वो बहुत ज्यादा ईजी रहता है. देन प्री इवेंट मील, जब कंपटीशन में जा रहे हैं तो जनरली प्री इवेंट मील की बात करें हम, तब भी जो है मेनली फोकस जो है कार्बोहाइड्रेट्स पे रहना चाहिए. बेसिकली प्री इवेंट मील क्या कर रहा है, आपकी मसल ग्लाइकोजन के स्टोर्स को बना के रखेगा ताकि जब आप कंपटीशन में हैं तो उस टाइम पे आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज कम नहीं हो और कंपटीशन के टाइम पे भूख लगना या आपके स्टमक में डिस्कम्फर्ट उसको जो है प्रिवेंट करना, वो मेन पर्पस रहता है प्री इवेंट मील का. सो प्री इवेंट मील अगर 90 मिनट से कम का इवेंट है सो जनरली इट इज रिकमेंडेड 1 से 4 ग्राम पर केजी कार्बोहाइड्रेट जो है इवेंट से पहले ले सकते हैं. सो सिंपली इट्स लाइक कि कंपटीशन से पहले का मील आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करना है. उसके अंदर फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोटीन भी होगा थोड़ा बहुत मात्रा में दैट इज ओके, प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट अमाउंट इज ओके, बट फैट का अमाउंट जो है वो काफी कम मात्रा में होना चाहिए. वो हम फैट में डिस्कस करेंगे क्यों फैट की मात्रा जो है वो कंपटीशन से पहले की मील के अंदर आपके कम होनी चाहिए. और अगर इवेंट 90 मिनट से ज्यादा है तो उसमें जो है वी कैन डू द कार्बोहाइड्रेट लोडिंग. सो दिस इज इवेंट की बात कर रहे हैं, इट मींस दिस इज फॉर कंपटीशन, जब हम कंपटीशन में जा रहे हैं. सो 90 मिनट से कम की एक्टिविटी में सिर्फ 1 मील या 2 मील आप कंपटीशन से पहले का कार्बोहाइड्रेट रिच ले रहे हैं दैट इज सफिशिएंट. बट अगर 90 मिनट से ज्यादा का इवेंट है सो वी नीड टू द कार्बोहाइड्रेट लोडिंग. एंड कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो है जनरली 10 से 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर केजी बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट जनरली देते हैं 2 to 3 days prior to competition we can start. अगर 2 to 3 days पहले नहीं start कर सकते तो एटलीस्ट 1 दिन पहले जो है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं. जनरली लास्ट वीक में एक्सरसाइज लोड का जो है
टेपरिंग आप लोग करते हैं, सो टेपरिंग तो रहेगा ही, धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज कर सकते हैं और लास्ट डे जो है मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट जो है 10-12 ग्राम पर केजी बॉडी मास कार्बोहाइड्रेट जो है वो दिया जा सकता है। जनरली जब भी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर जनरली 1-1.5 किलो वेट गेन जो है पर्सन का होता है, दैट इज नॉर्मल बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एज वेल एज वाटर। भी ग्लाइकोजन जब स्टोर हो रहा है तो कुछ अमाउंट में वाटर भी बॉडी के अंदर रिटेन होता है, सो उसकी वजह से वेट गेन जो है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से रहता है। जब कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स इन सब का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले जो है मेनली फोकस, अगर आपका इवेंट मोर देन 90 मिनट्स है तो मेन फोकस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आप ले सकते हैं, जिसमें चाहे बहुत अगर फाइबर नहीं भी होगा, विटामिन मिनरल्स थोड़े से कम होंगे तो भी देन इट्स ओके। इवन आप जस्ट स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेड्स, जैम्स और ये सब भी कंज्यूम कर रहे हैं, सो दैट इज ओके फॉर कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। देन पोस्ट रिकवरी मील जो है इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट प्री रिकवरी मील शुड बी। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन्स जो है कुछ जो है मॉडरेट अमाउंट में रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का रेशियो जनरली 3:4:1 का रहता है, इट मीन्स अगर 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो अराउंड 15-20 ग्राम जो है प्रोटीन्स उसमें ले सकते हैं। सो दिस इज द समरी बेसिकली कैसे आप कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन कर सकते हैं। अगर एक पर्सन को हम एथलीट को बता रहे हैं रेगुलर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कैसा करना है, तो जनरली डाइट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हैं, फाइबर, हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट जो हैं, अनप्रोसेस्ड सीरियल्स या जो कम प्रोसेस्ड सीरियल्स हैं उनका कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है दलिया है, चोकर वाला आटा है, ब्राउन राइस या साउथ में जैसे मोटा अनप्रोसेस्ड राइस खाया जाता है। देन जितने भी हमारे नेटिव जो सीरियल्स हैं, अनाज हैं, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्की है, इनका आटा रेगुलर खाने में यूज़ करें। सलाद है, होल फ्रूट्स, उनका इंटेक जो है रेगुलर मील्स जो हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज की बात आती है दैट टाइम जो लो फाइबर इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका इंटेक उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो लाइक बनाना है, शुगर्स, हनी, ग्लूकोज, स्पोर्ट्स जेल, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट इज़ ओके। बट अगर वही चीनी आप मान लीजिए डिनर में ऐसे ही डेजर्ट्स खा रहे हैं जस्ट कि मेरे को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना है, सो दैट इज़ नॉट ओके। बट सेम शुगर अगर आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज कुछ अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं सो दैट विल बी बेनिफिशियल, बिकॉज उस टाइम पे जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपको फैटीग कम होगा, उस टाइम पे अगर आप वो कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं तो रिकवरी का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। देन कंपटीशन की अगर हम बात करें तो प्री इवेंट अगेन जैसे हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज की बात की, इट शुड बी लो फाइबर, स्पेशली फैट कम होना चाहिए, सिंपल इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोग ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल है वाइट राइस ले सकते हैं, वाइट ब्रेड है, जैम है, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, आलू है, शकरकंदी, सैंडविचेस, इडली, पोहा, डाइल्यूटेड जूसेस, स्पोर्ट्स बार, सो ये सब चीज़ें जो है एज ए कंपटीशन से पहले मील में यूज की जा सकती हैं। और अगर हम पोस्ट एक्सरसाइज की बात करें, बिकॉज पोस्ट एक्सरसाइज में आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा डिपेंड करेगा नेक्स्ट डे आपका इवेंट कैसा है,
सो इट कैन बी इजीली डाइजेस्टेबल और अनप्रोसेस भी हो सकता है, उसमें फाइबर का अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है, नो इश्यूज, बिकॉज ये सिर्फ एक्सरसाइज, इसके बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो फाइबर आपके स्टमक में कोई प्रीवेंट मील की तरह इश्यू क्रिएट नहीं करेगा. सो इस टाइम पे आप हेल्दी स्नैक्स जो है कोई भी, या फिर मील्स, हेल्दी मील्स जो है दैट कैन बी टेकन, इवन जो रेगुलर जो आपका मील्स हैं, जैसे हमने यहाँ बताया ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वो भी पोस्ट एक्सरसाइज और रिकवरी मील में सिमिलरली फॉलो किए जा सकते हैं. सो प्री इवेंट मील और ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, दैट शुड बी स्पेसिफिकली लो फाइबर एंड लो फैट, सो दैट दैट कैन बी इजीली यूटिलाइज इन योर बॉडी. So that is all for carbohydrates. जन हो गया, आप प्लीज एक बार वो समझा दीजिए कि नेगलिजिबल सोर्स ऑफ कार्ब्स इन डाइट मतलब. वो ग्लाइकोजन के लिए लिखा था, आई थिंक ग्लाइकोजन के अंदर लिखा था. सो ग्लाइकोजन जो है आपकी बॉडी में, जब हम कार्ब्स ले रहे हैं उसके बाद आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है. ग्लूकोज आपके लिवर के अंदर ट्रांसफर हुआ, एक्सेस अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, तो लिवर में मसल में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है. डाइट से आपको डायरेक्ट ग्लाइकोजन जो है बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, मोस्टली प्लांट सोर्सेस में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रहेगा. ग्लाइकोजन जनरली एनिमल मसल्स वगैरह होंगी उनमें